हाँ जी बच्चों तो फिर आज फिर हम आपके लिए प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं जो कि एडवांस ट्वेंटी में आया था है ना ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी दे रखा है यानी दो कॉन्सेप्ट मिक्स है आपके पास में चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है लेट सी वन एंड सी टू बी टू बायस्ड कॉइंस सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस आर टू बाई थ्री एंड वन बाई थ्री ओके

सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना फॉर फर्स्ट कॉइन के लिए बात करते हैं फर्स्ट कॉइन जिसको कि सीवन बोला गया है है ना यहां पर मेरे पास में इस कॉइन के अंदर में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड था वो टू बाई थ्री दे रखा था तो ऑब्वियस है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगा वो वन माइनस टू बाई थ्री है ना दैट इज वन बाई थ्री हो जाएगा है ना ठीक है इस को दो बार टॉस्ट किया गया है और अल्फा क्या बोला है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स चाहिए ठीक है तो हम लोग केसेस बनाएंगे यहां पर भी हम केसेस बनाते हैं कि सबसे पहले हमने बोला कि भाई अल्फा का वैल्यू जीरो ले लो ओके okay, मैं केसेस बना रही हूं अल्फा का वैल्यू जीरो अल्फा का वैल्यू जीरो का मतलब दोनों कॉइन्स को जब टॉस्ट किया गया तो उसका मतलब दोनों टाइम में हेड नहीं आया है, है ना हेड नहीं आया है मतलब मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी चाहिए टेल टेल का चाहिए मुझे ओके okay? तो वही सिंपली वन बाई थ्री इन टू वन बाई थ्री बाई नाइन हो गया सेकेंड केस में हमने बोला एल्फा का वैल्यू वन यानी जब दो बार टॉस्ट किया गया है तो एक बार हेड आया है मेरे पास में तो मेरे को जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट इज हेड टेल हो सकता है या फिर या फिर क्या हो सकता है मेरे पास में केसेज की बात कर रहे हैं हम लोग हाँ जी क्या हो सकता है हमारे पास में हेड टेल हो सकता है है ना या फिर टेल हेड हो सकता है दो केसेस हो सकते हैं तो भाई इंडिपेंडेंट वर्क है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा इसके अंदर में हेड टेल हो रहा है तो टू बाई थ्री आया इंटू वन बाई थ्री आया प्लस फिर वन बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री दैट इज फोर बाय नाइन आया ओके है ना थर्ड केस एल्फा की वैल्यू टू यानी कि दोनों टाइम में मेरे पास में हेड हेड आया दोनों बार में ओके okay. तो क्या बना टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री अगेन फोर बाई नाइन मिला ये आया मेरे पास में फॉर फर्स्ट कॉइन के लिए ठीक है अब मेरे को करना है सेकेंड कॉइन के लिए तो भाई वापिस कर लेते हैं हम लोग फॉर सेकेंड कॉइन कॉइन यानी के लिए यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे रखा था बेटा वन बाई थ्री है ना तो ऑब्वियस प्रोबाबिलिटी वन माइनस वन बाई थ्री यानी टू बाई थ्री हो जाएगा यहां पर बीटा दे रखे थे नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रखा था यहां बीटा के लिए तो वही केसेस लिया हमने कि भाई बीटा का वैल्यू जीरो बीटा का वैल्यू जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल दोनों टाइम में टेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बन गया टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री बीटा का वैल्यू वन तो या तो है, टेल आ रहा है या फिर टेल है आ रहा है है ना तो हमारे पास में केसेस क्या बन गए यहां पर वन बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री दैट इज ऑल्सो फोर बाई नाइन है ना थर्ड केस कि बीटा का वैल्यू टू यानी कि दोनों टाइम में हेड हेड आ रहा है तो दैट इज वन गया मेरे पास में वन बाय थ्री इन वन बाय थ्री दैट इज वन बाय नाइन यहां तक तो मेरा बन गया अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई ये प्रोबेबिलिटी का काम खत्म हो गया अब बात किसकी थी क्वाड्रेटिक के अब क्वाड्रेटिक के लिए हमने बोला यहां पे हम यहां सॉल्व कर लेते हैं ओके okay? कि क्वाड्रेटिक दे रखी थी मुझे वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वस टू जीरो थी हमें है ना रूट्स हमें क्या दे रखे थे रियल रियल रूट्स दे रखे थे तो जब रियल रूट्स हैं फॉर रियल रूट्स क्या कंडीशन होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वस टू जीरो यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्व टू फोर बीटा होना चाहिए यहां तक भी कंडीशन निकाल ली हमने अल्फा स्क्वायर इक्व टू फोर बीटा अब यहां से क्या हुआ यहां से अब हमारे पास में केसेस बन गए डिस्क्रिमिनेंट बना अल्फा स्क्वायर टू बीटा अब केसेस बने यहां से जब मेरे को अल्फा बीटा की बात की गई तो यहां पर क्या हो सकता था बच्चों या तो ये जीरो जीरो हो सकते थे या फिर क्या हो सकता था कि बीटा की वैल्यू वन है है ना तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है है ना तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी मेरे पास में जब अल्फा जीरो बीटा जीरो तो देख लेते हैं ना कि हमने क्या निकाला था वहां पे। अल्फा का वैल्यू जीरो पे हमारे पास वन बाय नाइन आया था है ना ठीक है और बीटा का वैल्यू हमारे पास में जीरो पे फोर बाय नाइन आया था ठीक है, है ना तो भी जीरो जीरो के केसेस बन गए मेरे पास में वन बाय नाइन इन टू फोर बाई नाइन ठीक है प्लस कौन सा वाला आएगा अल्फा का वैल्यू टू तो, बीटा का वैल्यू वन फिर वापस चेक करते हैं हम लोग अल्फा का वैल्यू टू पे आया फोर बाय नाइन एंड बीटा का वैल्यू वन पे आया फोर बाय नाइन ठीक है भाई तो ये बन गया मेरे पास में टू बाय नाइन नहीं सॉरी फोर बाय नाइन आया था है ना फोर बाय नाइन इंटू फोर बाय नाइन तो दैट इज बन गया मेरे पास में यहां पर ये मेरा आंसर केसेस बने तो मेरा आंसर बना फोर बाय एटी वन प्लस सिक्सटीन बाय एटी वन दैट इज बन गया ट्वेंटी बाय एटी वन ठीक है तो ये मेरा आंसर आ गया अब आंसर आ गया तो भाई ऑप्शन में जाओ वापिस से और ऑप्शन थे हमारे पास फोर्टी बाई एटी वन ट्वेंटी बाई एटी वन वन बाई टू वन बाई फोर तो आंसर इज दिस वन ओके आगे आंसर गुड